अजमेर नगर निगम की ओर से इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव आनासागर रामप्रसाद घाट के नजदीक मनाया जा रहा है, जिसमें 25 से अधिक झांकियां होगी और कई अलग अलग पार्टियां भी इस दौरान बुलाई गई है। वहीं सामाजिक संस्थाओं की ओर से भी झांकियां लगाई जाएगी और विभिन्न कृष्ण प्रतियोगिताएं भी इस दौरान आयोजित होगी। इस भव्य आयोजन को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तैयारियां कर रहा है, जिससे कि व्यवस्थाओं को सुचारू किया जा सके। अजमेर एसपी चुनाराम ने अपने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और किस तरह से व्यवस्थाएं बनाई जा सकती है इसे लेकर भी इंतजाम किए जाएंगे। इस मौके पर यातायात सुचारू रहे इसे लेकर भी अलग अलग स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है और आम जनता से अपील की गई है कि वो अपने आने वाले रूट पर स्थित पार्किंग में ही अपनी गाड़ियां खड़ी करें। इस व्यवस्था को लेकर अजमेर नगर निगम की ओर से समिति बनाई गई है, जो इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हुए आयोजन को भव्य रूप से आयोजित किया जाए इसे लेकर तैयारियां कर रही है। कल जन्माष्टमी के पर्व को देखते हुए वो यहाँ नगर निगम की तरफ से जो झांकियां तैयार की गई है और आम दर्शकों के लिए झांकियों को दर्शनों के लिए रखा गया है, उसको देखते हुए आज मैंने और एडिशनल एसपी रूरल और एडिशनल एसपी अदर कमांड सेंटर ने इलाके का विजिट किया है और जो पार्किंग व्यवस्था है और इसके अलावा जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको मद्देनजर रखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। किस तरीके से रहेगी व्यवस्था? देखिए, जन्माष्टमी का उत्सव भव्य उत्सव होता है और इस बार उसकी भव्यता को चार चांद लगाने के लिए नगर निगम की पूरी टीम, नगर निगम के हमारे पार्षद, हमारे संयोजक, हमारे महापौर पूरे प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। इस बार यह तय किया है कि रामप्रसाद घाट पर ये पूरा जन्माष्टमी का उत्सव होने वाला है, झांकियाँ लगने वाली है, महाराष्ट्र का उत्सव यहाँ पर होने वाला है और कृष्ण मनु प्रतियोगिता भी होनी है। इस हेतु पार्किंग की व्यवस्था को लेकर के पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की है। पार्किंग को अलग अलग टुकड़ों में बांटा गया है। जो हरिभा उपाध्याय बीके कॉल रामनगर नागपणी से आने वाले हैं उनकी गाड़ियाँ पार्क करने के लिए जो हमारा फूड कोर्ट है वहाँ ऋषि घाटी उद्यान और जो हमारा ऋषि उद्यान है उनमें वहाँ पर फोर व्हीलर की पार्किंग और बाहर टू व्हीलर की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से जो वैशाली नगर से आने वाले हैं उनके लिए बजरंगगढ़ स्थित जो पुराना बस स्टैंड है महादेव का ढाबा वहाँ पर व्यवस्था की गई है। सुभाष उद्यान में व्यवस्था की गई है। सुभाष उद्यान की जो तीनों पार्किंग वो भी निःशुल्क रहेगी। पुराना बस स्टैंड की पार्किंग वो भी निःशुल्क रहेगी। यहाँ ऋषि घाटी वाली पार्किंग भी निःशुल्क रहेगी। इसी प्रकार जो आगरा गेट से आने वाले हैं उनके लिए सोनी जो बड़ा थोड़ा की नसिया है, गोदाजी की नसिया है और सुभाष उद्यान का जो मेन गेट है वहाँ पर फोर व्हील की पार्किंग, टू व्हील की पार्किंग की जाएगी और टू व्हीलर की पार्किंग के लिए जो हमारा बारादरी का जो मुख्य गेट है इसके बाहर बैरिकेड लगाकर रोक दिया जाएगा और बागचंद जी की कोठी से लेकर मेरवाड़ा स्टेट से लेकर के इस स्थान तक जो हमारी बारादरी का जो अंतिम कोना है वहाँ तक टू व्हीलर पार्किंग की जाएगी और ये सभी निःशुल्क रहेगी। तो आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी आग्रह है जनता से, पार्किंग व्यवस्था निःशुल्क है और उसका अगर पालन करेंगे तो हम इस जन्माष्टमी उत्सव को अच्छे से देख पाएंगे, झांकियों का आनंद ले पाएंगे, महाराष्ट्र का आनंद ले पाएंगे और सभी प्रतियोगिता का आनंद ले पाएंगे।